स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ मंगलम इंटर कॉलेज, कल मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की पहचान बताया था कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। संक्षेप में आज आप जान लें, पुनः जान लें, जब वक्ता की कही हुई बात को उस ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता की कही गई बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। सपोज दैट आपसे आपके अध्यापक ने कहा कि आपने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है। अब यदि आप इसको अपने अभिभावक से बताएं कि मेरे अध्यापक ने कहा कि मैंने अंग्रेजी में 80% अंक प्राप्त किया है, तो यहाँ पर अध्यापक ने कहा था तुमने प्राप्त किया है, आपने तुमने की जगह कर दिया मैंने प्राप्त किया है, यानी बात को अपने शब्दों में कहने के लिए मैंने लगा दिया, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आपने मैं तुमने हटा के मैंने का प्रयोग किया, शब्द बदल दिया, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको डायरेक्ट स्पीच का असर्टिव सेंटेंस अगर है तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स पहला तो ये कहता है कि रिपोर्टिंग पार्ट, ये आप जान रहे हैं कि रिपोर्टिंग पार्ट किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच का वो हिस्सा जिसमें वक्ता निवेदन करता है, आग्रह करता है या कुछ कहता है, उस भाग को, उस पार्ट को हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। तो अब ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कामा लगा होता है, जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, इसके बाद कामा लगा दिया गया। हमेशा रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कामा जरूर लगा होता है, इस कामा को हटा दिया जाता है। कामा को हटाने के बाद हम वहाँ पर नियमानुसार दैट लगाते हैं, या यदि दैट की आवश्यकता नहीं है, नियम कहता है इफ लगाना है, नियम कहता है वेदर लगाना है, तो हम वहाँ इफ या वेदर का भी प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है से, सेज, सेड के बाद यदि टू लगा है तो हम इसको सेड टोल्ड में चेंज कर देते हैं। से, सेज, सेड के बाद यदि टू लगा है, जब टू लगा होगा तो से टू, सेज टू, तो से को हम बदलते हैं, यहाँ से को टेल्स में बदलते हैं, किस में, टेल्स में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदलते हैं और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। ये तीन परिवर्तन हैं। ही से, द बॉयज से टू द प्लेयर्स, लड़के खिलाड़ियों से कहते हैं, द बॉयज से टू द प्लेयर्स। तो अब यहाँ पर से के बाद टू आया है, हम इसको कर देंगे द बॉयज टेल टू द प्लेयर्स। ठीक, अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट आता है द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, द टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट। अच्छा, अब मान लीजिए आता है द प्रिंसिपल सेट टू द प्यून, तो यहाँ सेट टू आया, सेट के बाद टू आया, तो हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, द टीचर टोल्ड टू द प्यून। तो हमेशा याद रखिए से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। अगला नियम कहता है रिपोर्टेड पार्ट के इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है।
रिपोर्टिंग पार्ट के बाद जो आप डायरेक्ट स्पीच में जो आपका दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट में क्या होता है, रिपोर्टेड पार्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में होता है और इस रिपोर्टेड पार्ट में वक्ता के द्वारा कहा गया कथन रखा जाता है। अब इस रिपोर्टेड पार्ट की अपनी एक सब्जेक्ट होता है, इसकी अपनी एक वर्ब होती है, इसमें टेंस भी होता है, इसमें प्रोनाउंस भी होते हैं। तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस को बदलते हैं, जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के अनुसार प्रोनाउंस को बदलते हैं और निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। ये कुछ परिवर्तन हैं जिन्हें हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम टेंस किस तरह से बदलते हैं, किस टेंस के वाक्य को किस टेंस में चेंज करते हैं, आइए इसको हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इनडेफिनिट आल्सो चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस आल चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। इस तरह से ये छह टेंस बदले जाते हैं और बाकी के जो फ्यूचर के टेंस हमारे आते हैं, फ्यूचर के टेंसेस में हम केवल विल को उड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस की जो इनडायरेक्ट स्पीच होगी, सॉरी फ्यूचर टेंस की जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें विल और शैल को बदलने के अलावा हम कोई और परिवर्तन टेंस में नहीं कर टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके टेंस को नहीं बदलते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोनाउंस को हम कैसे बदलते हैं, स्टूडेंट्स हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जानते हैं, आई वी माई माइन अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू योर योर्स, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट दे। अब नियम क्या है, हम किस प्रोनाउन को किस नियम के अनुसार बदलते हैं, तो नियम कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम
रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। अब इसके बाद हम कल आपको सेंटेंस और वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने की प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक्स।